इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जनचुनगी। हम मुख्यालय ललितपुर के घंटाघर पर हैं। यहाँ पर दूसरी बार बेवा मजलूम एक बेवा औरत बैठी है, जो अपने शिकायत पत्र में विगत दिनों भी शिकायत पत्र के माध्यम से अपनी परेशानी बताई थी, आज भी परेशानी बताई है। ये बैनर इस बात का गवाह है कि जो बेवा बैठी है वो मजबूर है, परेशान है। और इन लोगों ने, इनका आरोप है कि इन लोगों ने जो बैनर पर नाम दिख रहे हैं, फ़ोटो दिख रही है, इन लोगों ने इनकी ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। इनके जो पति हैं, जिस दुनिया में नहीं है, उनके नाम की ज़मीन को कब्जा लिया है और देने को कहीं से भी उनका मन नहीं है। इस न्याय की गुराई लेकर वो बेवा बैठी है। और इस संबंध में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ललितपुर के पूर्व पार्षद बाबूलाल तिवारी जी। क्या है मामला आपके संज्ञान में? ये महिला का पूरा मामला सही है। ये पांचों लोग शहर के सबसे बड़े भूमाफिया हैं और इन पर जिला प्रशासन द्वारा संरक्षण प्राप्त है, जिससे इन लोगों को कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और हमारी आपके माध्यम से जिला प्रशासन से मांग है कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और इस महिला को उचित न्याय दिलाया जाए। तो ये थे पूर्व पार्षद बाबूलाल तिवारी, जो सोशल वर्कर भी हैं। और हम जुड़ रहे हैं हमारे साथ जो मुबीना जो बेवा बैठी हैं अनशन पर। क्या है मामला उनसे, क्या है मामला बताएं आप? जी, मेरा नाम मुबीना है, मैं थसलपुरा की निवासी हूँ, हाल निवास गोविंद नगर है। और मेरा ज़मीनी विवाद है, जो 25 तारीख में मैंने अमाना अनशन किया था, मुझे आश्वासन दिया गया था एडीएम के सामने कि आपको दो दिन में कब्जा दिलाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं प्लाट पे बैठी बैठी निकल आती हूँ, वहाँ लेखपाल कानी हो जाते हैं और भूमाफिया के साथ संगठन कल के निकल आते हैं। तो आज मैं फिर से दोबारा बैठ गई, मुझे कहीं से आश्वासन नहीं मिला। अभी प्रशासन के अधिकारी आए थे, उन्होंने क्या कहा? प्रशासन ने कहा कि उनको बुलाया है, उनसे वार्ता करेंगे, लेकिन मेरी तो कोई बात नहीं सुनी ना। हमसे कुछ कहा है कि आपको कुछ न्याय दिलाएंगे, कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने तो ये कहा कि उनको बुलाएंगे, उनसे वार्ता करेंगे। जमीन का मामला चल रहा है जी, वो जमीन किसके नाम थी? जमीन हमारे नाम है, हमारे पति के नाम थी, हमारे नाम आ गई, हमारे बच्चों के नाम आ गई। मुझे निर्माण कार्य नहीं करने दे रहे। और हाँ, ये भूमाफिया है ना मेरे। कितने समय से चल रहा है ये मैटर? ये चल रहा है अभी 6 महीने से। और 6 महीने से मैं रेस्ट जमीन तो हमारे पति ने 2011 में खरीदी थी, लेकिन हमने जो दाखिल खर्च कराया वो 2019 में कराया और इसका टैक्स भी पे किया। और सारे दस्तावेज हमारे जो जिलाधिकारी द्वारा 2-3 बार जाँच भी हो चुकी है, हमारे दस्तावेज सही हैं। फिर जी भूमाफियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जी? मुझे क्यों परेशान बार बार कर रहे हैं? क्या भूमाफियों की चल रही है क्या? शासन प्रशासन की कुछ भी नहीं चल रही क्या? कि एक बेवा महिला को और उसके दो बच्चे जिसको न्याय मिले, जो घंटाघर चौराहे पे इतनी धूम में बैठी रहती है, जिसका किसी को भी कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो बैठी बैठी यहाँ अपने बच्चों के लिए हक के लिए बैठी है। जो हमारे साथ थी ये बेवा मुनीना, जो पीड़ित परिवार से हैं और अपनी ज़मीन को अपने पास पाने के लिए अपने दो बच्चों के साथ अनशन कर रही हैं। इनका मानना है, कहना है, हमारे दो बच्चे जिनके लिए उनके पिता ने ज़मीन का टुकड़ा छोड़ा था और वह टुकड़ा उनके लिए नहीं मिल रहा है, जिससे उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए घंटाघर ललितपुर से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। हम मुख्यालय ललितपुर के घंटाघर पर हैं। यहाँ पर दूसरी बार बेवा मजलूम एक बेवा औरत बैठी है, जो अपने शिकायत पत्र में विगत दिनों भी शिकायत पत्र के माध्यम से अपनी परेशानी बताई थी, आज भी परेशानी बताई है। ये बैनर इस बात का गवाह है कि जो बेवा बैठी है वो मजबूर है, परेशान है। और इन लोगों ने, इनका आरोप है कि इन लोगों ने जो बैनर पर नाम दिख रहे हैं, फ़ोटो दिख रही है, इन लोगों ने इनकी ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। इनके जो पति हैं, जिस दुनिया में नहीं है, उनके नाम की ज़मीन को कब्जा लिया है और देने को कहीं से भी उनका मन नहीं है। इस न्याय की गुराई लेकर वो बेवा बैठी है। और इस संबंध में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ललितपुर के पूर्व पार्षद बाबूलाल तिवारी जी। क्या है मामला आपके संज्ञान में? ये महिला का पूरा मामला सही है। ये पांचों लोग शहर के सबसे बड़े भूमाफिया हैं और इन पर जिला प्रशासन द्वारा संरक्षण प्राप्त है, जिससे इन लोगों को कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और हमारी आपके माध्यम से जिला प्रशासन से मांग है कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और इस महिला को उचित न्याय दिलाया जाए।
तो ये थे पूर्व पार्षद बाबूलाल तिवारी जो सोशल वर्कर भी हैं और हम जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जो मुबीना जो बेवा बैठी हैं अनशन पर, क्या है मामला उनसे ही जानना चाह। क्या है मामला बताएं आप? जी मेरा नाम मुबीना है, मैं थसल पड़ा की निवासी हूँ, हाल निवास गोविंद नगर है और मेरा जमीनी विवाद है। जो 25 तारीख में मैंने अमन अनशन किया था, मुझे आश्वासन दिया गया था SDM के सामने कि आपको 2 दिन में कब्जा दिलाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं प्लाट पे बैठी बैठी निकल आती हूँ, वहाँ लेखपाल कानी हो जाते हैं और भूमाफिया के साथ संगठन कल के निकल आते हैं। तो आज मैं फिर से दोबारा बैठ गई, मुझे कहीं से आश्वासन नहीं मिला। अभी प्रशासन हाँ। के अधिकारी आए थे, उन्होंने क्या कहा? प्रशासन ने कहा कि उनको बुलाया है, उनसे वार्ता करेंगे, लेकिन मेरी तो कोई बात नहीं सुनी ना हमसे कुछ कहा है कि आपको कुछ न्याय दिलाएंगे कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने तो ये कहा कि उनको बुलाएंगे, उनसे वार्ता करेंगे। जमीन का मामला चल रहा है जी, वो जमीन किसके नाम थी? जमीन हमारे नाम है, हमारे पति के नाम थी, हमारे नाम आ गई, हमारे बच्चों के नाम आ गई, मुझे निर्माण कार्य नहीं करने दे रहे। और हाँ, ये भूमाफिया है ना मेरे, कितने समय से चल रहा है ये मैटर? ये चल रहा है अभी 6 महीने से, और 6 महीने से मैं रजिस्ट्री कब हुई थी? जमीन तो हमारे पति ने 2011 में खरीदी थी, लेकिन हमने जो दाखिल खर्च कराया 2019 में कराया और इसका टैक्स भी पे किया और सारे दस्तावेज हमारे जो जिलाधिकारी द्वारा 2-3 बार जाँच भी हो चुकी है, हमारे दस्तावेज सही है। फिर जी भूमाफियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जी, मुझे क्यों परेशान बार बार कर रहे हैं? क्या भूमाफियों की चल रही है क्या? शासन प्रशासन की कुछ भी नहीं चल रही क्या? कि एक बेवा महिला को और उसके 2 बच्चे जिसको न्याय मिले, जो घंटा घर चौराहे पे इतनी धूम में बैठी रहती है, जिसका किसी को भी कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, जो बैठी बैठी यहाँ अपने बच्चों के लिए हक के लिए बैठी है। जो हमारे साथ थी ये बेवा मुनीना जो पीड़ित परिवार से हैं और अपनी ज़मीन को अपने पास पाने के लिए अपने 2 बच्चों के साथ अनशन कर रही हैं। इनका मानना है, कहना है कि हमारे 2 बच्चे जिनके लिए उनके पिता ने जमीन का टुकड़ा छोड़ा था और वह टुकड़ा उनके लिए नहीं मिल रहा है, जिससे उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए घंटाघर ललितपुर से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।